जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टोटल ट्रेन इन्फो पर स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और रेलवे की लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 02320 आगरा कैंट कोलकाता सुपरफास्ट कोविड विशेष ट्रेन की पूरी जानकारी। यदि आप लोगों में से किसी ने इस ट्रेन में सफ़र किया है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, कई बार वीडियो अपलोड करने के बाद ट्रेन का समय बदल जाता है, इसलिए लेटेस्ट समय सारिणी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस किस स्टेशन पर रुकती है, इस ट्रेन में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। यह ट्रेन आगरा छावनी और कोलकाता स्टेशन के बीच गुरुवार को चलती है। ट्रेन 10 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 1421 किलोमीटर की दूरी लगभग 23 घंटे में पूरी करती है। इस ट्रेन की औसत स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब मैं आपको इसके कोच कंपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग कोच का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूं। यह ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले आगरा छावनी स्टेशन पर आकर रुक जाती है और शाम 5:50 पर रवाना होती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट मथुरा जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन शाम 6:30 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट कासगंज जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन रात 8:15 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट फर्रुखाबाद जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन रात 10:05 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट कानपुर अनवरगंज स्टेशन है और यहाँ ट्रेन मध्य रात्रि 12:38 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पांचवां हॉल्ट कानपुर सेंट्रल स्टेशन है और यहाँ ट्रेन मध्य रात्रि 12:55 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठवां हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 6:03 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 20 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट गया जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 8:33 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट धनबाद जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 11:20 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नौवां हॉल्ट आसनसोल जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 12:50 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट दुर्गापुर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 1:35 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का ग्यारहवां और आखिरी हॉल्ट कोलकाता स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 4:40 पर पहुँचती है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किराए से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग अलग होता है और समय समय पर किराए में बदलाव भी होते रहते हैं। किराए की जानकारी आप रेलवे की ऑफिशियली साइट irctc.co.in पर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे करीब से जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट टोटल ट्रेन इन्फो पर फॉलो करना न भूलें। आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।